बचपन से लेकर आज तक ना बस आपकी कठपुतली बन के रहे, और आपके लिए हम हमेशा लक्ष्मण बन के पीछे खड़े, लेकिन आप कभी हमसे राम नहीं बन पाए। छोटे साहब, अरे छोटे साहब, क्या किया आपने? देखिए कितना चोट लग गया है। आप भी ना हमेशा गुस्साते रहते हैं, हम दवाई लगाते थे। अरे बिल्कुल ठीक है। जब दोनों भाई ऐसे गुस्साते रहेंगे तो ये बात का हल कैसे निकलेगा? तो क्या करें हम? राधे हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, और वो तारा, वो तारा क्या करती है, क्यों करती है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे समझाए राधे को? हम जानते हैं तारा ये सब काहे कर रहे हैं। हम जानते हैं तारा, हमें तुम्हारी इजाजत लेनी चाहिए थी, पर हम क्या करें, हम उस वक्त मजबूर थे। देखो अगर तुम्हें पैसे से खुश नहीं हो ना, तो तुम हमें कैसे? नहीं नहीं राधे जी, कैसी बात कर रहे हैं आप, हम बहुत खुश हैं। जब पूरा परिवार हमने खिलाफ था, हम पे विश्वास नहीं कर रहा था, तो आप ही थे जिसने हमारा साथ दिया, हम पे विश्वास किया। हम बहुत खुश हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस घर में नौकरानी का नहीं, बहू का दर्जा मिलेगा। यही सच है छोटा सा। अगर तुम सच कह भी रही हो तो इसका तारा से क्या लेना देना? उसने अपना हाथ दिखाया था ना, उसके हाथ पे तो कोई निशान था नहीं, तो वो बेटी कैसे हुई? बेटी वही है छोटे सा। बस हमें तारा का सच सबके सामने लाने की तरकीब ढूंढनी होगी। अगर हमको अपने मकसद को पाना है तो हमको बहुत संभल कर चलना होगा। पता नहीं महुआ हर बार अपने पति को कैसे बचा लेती है। ठीक है, अगर यही बात है तो पहले हम इस घर की बहू बनेंगे और पूरे परिवार का दिल जीतेंगे, भरोसा जीतेंगे, और उसके बाद सही मौका देख करके अपना अगला वार करेंगे। सितारा का तारा, जवाब देंगे सबको करारा। हमको माफ कर दीजिएगा राधे जी, हम झूठ नहीं बोलना चाहते, परंतु झूठ बोलना पड़ रहा है। छोटे साहब देखिए, हम झूठ ना ही बोल रहे, वो तारा है ना, वो मारना चाहती है आपको, जान लेना चाहती है आपकी, और हम दोनों को मिलके उसे ही सब करने से रोकना होगा। बस करो महुआ, मारना चाहती है, सपने आ रहे, तुम्हें हो क्या गया? ये तुम्हारे सपने, भ्रम, भूल जाओ इन सबको, इसका कोई फायदा नहीं है। वैसे भी हमें लगता नहीं कि हम तुम्हें पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं या कभी कर पाएंगे। ठीक, विश्वास नहीं तो आप अंधविश्वास ही कर लीजिए हमरे ऊपर, पर राधे जी, अरे आप उनकी फिक्र तो करते हैं ना, और आप जानते हैं कि तारा राधे जी के लिए सही लड़की ना ही है, हमरे लिए ना ही, तो कम से कम राधे जी के लिए, राधे जी के लिए तो आप हमारी मदद कर सकते हैं ना, प्लीज। देखिए छोटे साहब, हम दोनों को मिलकर ना तारा का सच सबके सामने लेकर आना है, प्लीज मान जाइए ना। और जब आपका और हमारा दुश्मन एक है तो फिर उसे हराने के लिए सही क्या आप हमसे दोस्ती करेंगे? राधे जी के लिए प्लीज। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने तुम्हें माफ कर दिया। जो कुछ कर रहे हैं राधे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि वो तारा उसके लिए ठीक नहीं।
देखिए आपको ना इतनी सफाई देने की कोनो जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप ना हमारे ऊपर पूरा विश्वास करते हैं। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। अरे आप भी ना इतना गुस्सा काहे करते हैं, हाँ? जब देखो तब छिड़ जाते हैं। छिड़ नहीं रहे हैं, तुम्हारे पागलपन से चिड़ रहे हैं। अच्छा देखिए, अब इसी चिड़ने और छिड़ने के खेल में क्यों ना एक डांस हो जाए। पगला गई हो? थोड़ा नाच लेते हैं ना। देखिए आपका ये जो गुस्सा है ना वो भी एकदम ठंडा पड़ जाएगा, शांत हो जाएगा। नाच लीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज, हमारे लिए हाँ कह दीजिए ना, प्लीज छोटा साहब हमारे लिए एक बार, बस बस एक बार नाच लीजिए हमारे साथ, प्लीज। जितना बचा लो मावा, लेकिन हम इस परिवार को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के बिखेर के रख देंगे। पिछली बार गुस्से में आकर जो फैसला लिया था वो वक्त कौन आया था घर में? ई बार भी तू वही गलती करने जा रहा है राधे। बूंदी अपनी कोख के बच्चे को बंदूक की गोली बनाकर पूरे घर को नचा रही है। देख अब जो नया फैसला करने जा रहा है ना, सोच समझ कर कर, जल्दबाजी अच्छी ना है। अम्मा जी एक बात कहे हम आपसे, हम चाहे जैसे भी हो पर कम से कम आपको बेवकूफ तो नहीं बनाए ना, सबके सामने आपकी खिल्ली तो नहीं उड़वाई। हमसे जवान लड़ाएगी तू? अम्मा जी हमने कहने का मतलब था कि आप चाहे जिसे मर्जी मारिए पर महुआ कौन होती है सवाल पूछने वाली। राधे जी वैसे हमें ना पूरा भरोसा है कि वो महुआ ना आपकी शादी नहीं होने देगी। वो क्या चाहती है इससे कोनो फर्क नहीं पड़ता, शादी तो हम करके रहेंगे। पर कैसे करके रहेंगे, कोई सुनता थोड़ी है आपकी बातें। हवेली में सब सिर्फ समू जी की बात मानते हैं, आपकी नहीं। स्वाहा, आज दोनों तीर एकदम सटीक निशाने पे लगे, अब जल्द ही तमाशा शुरू होगा। एकदम मैं गवार होगा, होने वाली सास सामने खड़ी है और तुम बैठी हो। घूमने का कह रहे हैं।
ऐसे का हीरे मोती जड़े इसमें जो तुझको इतना पसंद आ गई। खैर जो भी हो, आज तुमरी वजह से हमरा राधे अपने हक के लिए खड़ा तो हुआ, हमको यही अच्छा लगा। चलो स्वीकारा तुम्हें अपनी बहू। एक मिनट, ये हवेली की जो बहुएं है ना, वो अपनी सीमा और औकात दोनों भूल चुकी हैं, तो तुम इनके जैसी तो बिल्कुल नहीं बनना। जी। आज हल्दी की रस्म है, एकदम टिप टॉप A1 बनकर आना, कहे कि तुम पद्मा की होने वाली बहू हो, समझी ना? जी। अब चाची जी, औका है ना, ये घर में जब भी ब्याह हुआ है तब आई ही आई, तो ये बार तनिक तहकीकात कर लेंगे तो अच्छा होगा, नहीं? मतलब अगर तुम ना बोलो तो तुम्हारा खाना ना हजम हो, लेकिन ये बार तुम एकदम सही बोली हो। का भाई, तुम्हारे माँ बाप का क्या हिसाब किताब है? जी हाँ, वो हाँ, तुम तो बोली थी ना कि वो तुम्हें बेच दिए, पर रहते तो इसी गांव में है, अब बिना माँ बाप के रसम कैसे होगी? उन्हें तो बुलाना ही पड़ेगा, तो बुलाओ हम सबसे मिलवाने के लिए। बात तो सही बोल रही है। जी तारा जी, बुलाइए ना, हम भी अपने सास ससुर से मिलना चाहेंगे। जितनी कोशिश करनी है कर लो महुआ, हमरा सच बाहर लाने में कामयाब नहीं हो पाओगी। अब देखते हैं इतनी जल्दी माँ बाप का जुगाड़ कहां से करती हो तुम। देख रही हो? हम उना नीचे नहीं ऊपर, मतलब हम आए थे बात बोलनी थी। नीचे ऊपर क्या कर रही हो? सासा बोलो ना, क्या बात है? चलो छोड़ो मत बोलो, वहां मेरा शर्ट है, जाओ लेकर।
हेलो, क्या क्या कर रही हो? हम ना अरे चुप करो, चलो शर्ट दो हमें। तुम्हें ये शर्ट पहननी है? नहीं ना, तो लो शर्ट दो। पुना हम वही तो। अरे काम मैं हूँ, हकला का रही। तुम्हें हो क्या गया? एक पराई औरत होके एक दूसरे मर्द को देख के शर्म नहीं आती तुम्हें? और तुम ना बहुत ही बेशरम औरत हो गई हो, बता रहे हैं। पराई औरत? अरे पत्नी है हम आपकी, और आपको ना हर रूप में देखने का हक है। हाँ, लेकिन हम तुम्हारे पति नहीं है। देखिए, आपके मानने या ना मानने से ना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मानते हैं ना आपको अपना पति, इतना बहुत है। बकवास बंद करो, चलो शर्ट दो हमारी। नहीं देंगे। पहले आप बोलिए कि हम पराई औरत नहीं है। वो देखो, हमें गुस्सा मत दिलाओ, हमारी शर्ट वापस कर दो अभी के अभी। नहीं, हम नहीं देंगे। पहले आप बोलिए कि हम पराई औरत नहीं। अच्छा, हम भी देखते हैं कैसे नहीं देती। देखिए, हम शर्ट तो नहीं देने वाले। बहुआ शर्ट दो हमारी। नहीं, हम शर्ट तो नहीं देने वाले। ने कहा वापस करो। अरे हम नहीं देंगे। बहुआ हमारी शर्ट वापस कर दो, हम बता रहे हैं। देखिए बोलिए आप। देखिए, आप अगर आपने हमें पराई औरत बोला ना तो ठीक नहीं होगा, बता दे रहे हैं। तो क्या हम यहाँ पे परेशान करने आई हो आप? नहीं बता दो अगर परेशान करने आई हो। हर हर महादेव, अरे हम जो बताने आए थे उसको आप हमें भुला ही दिए। चलिए चलिए आइए। कहाँ चलिए, कहाँ ले जा रही हो? अरे तारा के पोल खोलने का ना तरीका मिल गया है हमें। चलिए आइए। हाँ हाँ, रुको, कपड़े तो पहनने दो हमें। जल्दी पहनिए। हमको नहीं पता, कैसे भी करके हमरे नकली माँ बाप का इंतजाम करो। अरे ये हवेली के लोग मिलना चाहते हैं। शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास, जल्दी जाओ काम पे लगो, समझे? रखो फोन। अरे ये महुआ भी ना हमरे नाक में दम करके रखी हुई है। महुआ, अगर हम राधे को बताएंगे कि उसके इसके तारा के माँ बाप नकली है तो वो हमारी बात कभी नहीं मानेगा। अरे रुको रुको रुको, हमें आपसे एक बहुत ही जरूरी कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी, बताना है आप सबको। तारा बिटिया, ये तारा के असली माँ बाप है। तो फिर वो कौन है? नकली माँ बाप आए काहे नहीं अभी तक? आपका हल्दी खत्म होने के बाद आएंगे तेरे माँ बाप। हम जानते हैं कि वो तस्वीर में जो लड़की है ना तारा, वो तुम ही हो। कहीं महुआ की बात सच तो नहीं? दादी, आपसे इतनी बार कहे फिर भी अभी शादी के लिए तैयार कैसे हो गए? आप देखिए ना ये लड़की को, ये सही नहीं है राधे के। इतना मना किया ऐसे सुनता ही नहीं है। ए राधे, तेरे बड़े भाई हैं हम, तेरा बुरा नहीं चाहेंगे। जो कह रहे हैं तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं। ये शादी रोक दे, रोक दे ये रस्म, अभी भी वक्त है। आप भले मेरा बुरा नहीं चाहते होंगे भैया, लेकिन आपने हमेशा हमारे साथ बुरा ही किया है। और ये हमारी शादी है, और आपकी पसंद नापसंद से कोनो लेना देना ना है। तो आप अगर खुश नहीं रह सकते तो यहाँ से चले जाइए। हाँ हाँ ठीक है, जा रहे हैं, हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ पे रहने का। अरे अरे, और जब हमारे पति ही रस्म में शामिल नहीं हो रहे तो फिर भला हम यहाँ का करेंगे? हम भी जा रहे हैं। अरे ओ पागल औरत, ही हमारे पति तो हम इनके साथ जाएंगे। चलिए समझिए। एक सेकंड बूझी जी, आप पत्नी है ना हमारी, तो आप इस घर की बड़ी बहू हैं, तो आपको तो यहाँ फंक्शन में रहना चाहिए, ये रस्म करवानी चाहिए।
आप यहीं रुकिए, करवाइए रस्म। अरे रुको रुको रुको, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी बताना है आप सबको। तारा बिटिया, ये तारा के असली माँ बाप है। तो फिर वो कौन है? अपने भाई से ऐसे बात करनी पड़ रही है आपे? कितना बुरा लग रहा होगा उसे माँ। ये आप खुद को दोष ना ही दीजिए, अपनों की भलाई के लिए कभो कभो उनके साथ गलत करना पड़ जाता है, पर अब समय आ गया है अपने प्लान को अंजाम देने का। तारा के माँ बाप आते होंगे ना? हाँ। चलो जल्दी चलो। चलिए। देख रहा है अपने भाई का असली चेहरा? जलता है तो उससे शंभू देख ले, कैसे मुंह फेर के बैठे हैं फंक्शन से दोनों, महुआ और शंभू। चल कर रहा है इन दोनों के दिमाग में, शंभू जी राधे के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, कुछ तो बात है। ये महुआ जरूर कोनो नया खेल रच रही है। अरे रुको रुको रुको, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी बताना है आप सबको। तारा बिटिया, ये तारा के असली माँ बाप है। तो फिर वो कौन है? अरे रुको रुको रुको, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी बताना है आप सबको। तारा बिटिया, ये तारा के असली माँ बाप है। तो फिर वो कौन है?